अच्छा लगता है कि जब मेहनत करते हैं और लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं. सो यस, आई एम वेरी हैप्पी. और मैं यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और हमारा शो देखते रहिए. नथ जेवरिया सर जी, कहते हैं जो लिखा होता है वही होता है, जिसके साथ लिखा होता है शादियाँ यू नो ऊपर वाला बनाता है ऐसे सब. सो वही हो रहा है. मैं तो आई थी अपनी बहन की हल्दी लेके उसको लगाने के लिए, और शंभू और बूंदी की शादी हो रही है, बट वो गलती से अम्मा जी गोली मारती है और वो हल्दी हम दोनों के ऊपर गिर जाती है. सो हल्दी लग गई है हम दोनों को, अब देखते हैं आगे क्या होता है. हाँ, आई होप सो, बट अभी तो फ़िलहाल तो झगड़ा ही चल रहा है. शंभू नफरत करता है मुझसे और बस. बहुत अच्छा बॉन्ड है. ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी नाइस एज अ पर्सन. और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत प्यारे हैं, सबका नेचर बहुत अच्छा है. सो अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके. प्रतिमा मैम और भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो हमें बताती रहती हैं. सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है अपने से सीनियर बड़े के साथ काम. तो आज आप लोग हमारे सेट पे आए हैं तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सजावट हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ही कुछ हमारा ऐसा चल रहा है. हल्दी हो रही है हमारे यहाँ. और अगर आप लोग सीरियल देख रहे होंगे तो अभी शादी की तय हो चुकी है, और उसी में अभी हल्दी का आज फंक्शन है. और उस फंक्शन में क्या कांड होने वाला है मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी, लेकिन आप लोग इस एपिसोड को भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे. नथ जेवर या जंजीर, जैसा कि आपने सीरियल का नाम ही है, टाइटल ही है नथ, तो नथ लाइक जो परंपरा है नथ उतारने की, बहुत समय से चलती आ रही है या चल रही है अभी भी कुछ पिछड़े इलाकों में, तो उस पर आधारित है ये सीरियल. और उसी इस प्रथा को मतलब को बताया जा रहा है इस सीरियल के थ्रू, ताकि अगर ऐसा कहीं कुछ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देखिए, तो जब शुरू हुआ था तब भी हमारी बातचीत हुई थी, और तब मैंने कहा था कि मेरा दावा है कि ये शो हिट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही अपने में इतना खूबसूरत है और इस सब्जेक्ट पे अब तक कोई सीरियल नहीं आया है, तो हिट होना है ये मैं पूरी तरह शुरू से श्योर थी. और मेरा किरदार तो इसमें दादी का है, और दबंग दादी, और अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकती है. और कुछ प्रथाएं हैं जो पुरानी शुरू से चली आ रही हैं, जिनके प्रति वो कहते हैं ना कि एक तरह से अंधविश्वास की तरह उन्हें बिलीव करते रहना. अगर आज के समय में सोचें तो ये प्रथाएं कोई मान्यता नहीं रखती हैं, लेकिन पर जहां भी हैं ये लोग उनको अपना कल्चर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए मानते चले आ रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उनमें हिम्मत नहीं है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की. सबसे पहले मेरी तरफ से व्हाट्सअप देखने वालों को नमस्कार. ये नथ सीरियल के अंदर मैं अवतार सिंह का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक माँ का भक्त है और अम्मा जी उसके लिए सब कुछ है. उसका छोटा सा एक टैगलाइन भी है, जी अम्मा जी. तो बस उतना सा ही इंट्रोडक्शन इस कैरेक्टर का, बाकी आगे जाके इसकी परतें खुलेंगी तो आपको पता चलेगा. आज हम अपने घर में हल्दी की रस्म मना रहे हैं. उस हल्दी की रस्म में एक नया ड्रामा लेकर आए हैं, जो हीरोइन है महुआ, उसने अपनी बहन को कहा था कि पहली हल्दी मैं लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले अम्मा जी उसे घर से बाहर, गांव से बाहर तक निकाल चुकी हैं, और वो अपने घर में पसंद भी नहीं करेंगी. लेकिन कैसे वो आ जाती है और उसके आने के बाद में क्या ड्रामा होता है, ये सब आपको देखने में पता चलेगा. और रही बात वेशभूषा की, तो वेशभूषा हम अच्छे बड़े घराने के हैं और कपड़े तो अच्छे होंगे. यहाँ इसके कुछ यूपी और बिहार के बीच की कहानी है, तो ये इसलिए मूछें कुछ ऐसी हैं हमारी. तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर देखते रहिएगा, और अपने से दूसरे लोगों को, आपने आगे 3 लोगों को बोलिए कि वो नथ ज़रूर देखें, उनसे कहिए कि आगे 3 लोगों को बोलेंगे नथ ज़रूर देखें. इन्जॉय मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि रमेश सिंह जो है ये बेसिकली महुआ को पसंद करता है. अब महुआ के थ्रू हल्दी उड़ करके शंभू के ऊपर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. ऑब्वियस है महुआ मेरी पसंद है और वो किसी और के पास जा रही है. हाँ, आप अगर ऐसे पूछें कि शूटिंग वाइज हमने इन्जॉय किया तो डेफिनेटली बहुत इन्जॉय किया. एक तरफ से
दोनों मिल रहे हैं, दूसरी तरफ से हल्दी आ रही है, वो सारी हल्दी उनके साथ साथ हमारे फेस कपड़ों पर पड़ रही है, तो एक फनी मोमेंट था, हम सब ने काफ़ी उस मोमेंट को एंजॉय किया। सबसे पहले आपका पूरा नाम? केमोरी मेहता घोष, मैं शंभू की माँ प्ले कर रही हूँ, जानकी प्ले कर रही हूँ शो में, और हर शो की तरह ये शो स्पेशल है और भी स्पेशल है बिकॉज रियलिटी बेस्ड है। आज ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कुछ गांव में, तो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, अच्छा लगता है कि ऐसे टॉपिक से जुड़े हुए हैं आप सब लोग, इस टॉपिक को और इस शो को लोगों तक पहुँचाएँ, बताएँ कि ऐसा कुछ चल रहा है। जी जैसे कि आप देखें आज बूंदी का हल्दी का फंक्शन है, सो उसको ये ड्रेस मिली है जो बहुत ही खूबसूरत है, तो ये खूबसूरत सी प्यारी सी साड़ी पहनी है बूंदी ने, एंड क्योंकि रिश्ता तय हुआ है सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि अब शंभू से उसकी फाइनली शादी होने वाली है, तो हल्दी के लिए जा रही है, रेडी हो रही है, बहुत ही एक्साइटेड है। एंड शो के बारे में तो आपको पता ही है, इट्स ऑन ट्रू इवेंट्स एंड लाइक टच वुड इट्स गोइंग गुड, एंड माई कैरेक्टर इज़ वेरी सिंपल, वेरी सीधी साधी, सो बेसिकली इसका पहले भी रिश्ता टूट चुका होता है, तो फाइनली इसका रिश्ता जब शंभू से तय होता है तो ये बहुत खुश हो जाती है, बट देन जैसे ये हल्दी के लिए आती है, रेडी होती है, तो इधर फिर से सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो बाकी तो आपको टेलीकास्ट में ही देखने के लिए पता चलेगा। तो आज बेसिकली हल्दी का सीक्वेंस चल रहा है, बूंदी की हल्दी की रस्म होने वाली है, तो इसीलिए धर्मा फैमिली और जो ठाकुर फैमिली है सब इकट्ठे हुए हैं इनके हवेली में, जो बहुत अच्छी तरह से सजाई गई है, जो आपको आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। बहुत इन्जॉय किया, और वैसे भी जब हल्दी का फंक्शन होता है हमारे घरों में तो बहुत ही इन्जॉयमेंट का फंक्शन होता है, सब रिलेटिव सब लोग आते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सब आते हैं, वैसे यहाँ पर भी सेट पर ऐसा ही माहौल लग रहा था कि जैसे कि सब एक्चुअली हल्दी के फंक्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया।